नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, लाइक क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 207 इन थ्री पार्ट्स। 207 को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट ऑल द पार्ट्स आर इन एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623। दो स्मॉलर पार्ट होंगे ना, तीन पार्ट करना है, तीनों पार्ट में मतलब तीनों जो है एपी में होना चाहिए और जो दो छोटे वाले टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट होना चाहिए ये। कैसे करोगे, हाउ यू विल स्टार्ट, बताया है हाउ यू विल स्टार्ट। तीन नंबर है, तीन नंबर को अगर एज्यूम करना है तो क्या एज्यूम करते हैं, तीन टर्म है एज्यूम करना है। इफ यू वांट टू एज्यूम थ्री टर्म्स इन एपी, क्या क्या एज्यूम करते हैं बताओ, क्या एज्यूम करते हैं, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, बताया था फोर टर्म्स होगा तो क्या एज्यूम करते हैं, हाँ बहुत टाइम हो गया, गए साल सिखाया था, हाँ कब सिखाया था, इसी साल सिखाया ना, एक महीने पहले ही सिखाया है। देखो डिवाइड 207 इन थ्री पार्ट्स, क्या करेंगे, लेट द थ्री टर्म्स इन द एपी बी, लेट द थ्री टर्म्स इन एपी बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये तीन टर्म्स में हमने क्या किया, ये हमने तीन टर्म्स एज्यूम किया। अब यहां पर है डिवाइड 207 इन थ्री पार्ट्स, अगर मैं बोलू को 10 को टू पार्ट्स में डिवाइड करो क्या क्या नंबर हो सकता है, 5 और 5 मतलब दोनों का एडिशन 10 आएगा, तीन पार्ट में डिवाइड करो 5 2 3 मतलब तीनों का एडिशन क्या होएगा, 10 आएगा। तो 207 का भी हमने तीन पार्ट बना दिया तो इनका एडिशन कितना आएगा, 207 आएगा। नाउ Therefore, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स हाउ मच, 207। अब इसमें होगा क्या, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, एडिशन आ गया 3a इक्वल्स 207, तो a इक्वल्स व्हाट, 207 डिवाइडेड बाय 3, a इक्वल्स 36 आर 18, 39 आर 27। मतलब इतना कंफर्म हो गया कि मिडल टर्म क्या है, क्योंकि ए आपका मिडल टर्म है ना, अभी इससे पीछे वाला टर्म और इसके आगे वाला टर्म फाइंड करना है, राइट। अब और क्या दिया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स विल बी दिस, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ये था फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, व्हाट विल बी द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, हाँ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर टर्म्स इज हाउ मच, 4623, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर टर्म्स विल बी व्हाट बेटा, दो स्मॉलर टर्म, दो स्मॉलर टर्म कौन सा है इसमें, हाँ बताइए, करेक्ट, ये वाला दोनों, ये दोनों छोटा टर्म है ना, ये आगे वाला तो बड़ा टर्म होगा, यस और नो, नाउ देयरफॉर ए माइनस डी इंटू ए इक्वल्स हाउ मच, 4623। अब इसमें ए का वैल्यू तो पता है, 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स 4623, बराबर। अब ये 69 इस तरफ गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये नंबर 69 के टेबल में आता है, कैंसिलेशन कैसे करेंगे युवराज, कैंसिलेशन कैसे करेंगे, कौन से टेबल में कैंसिल करेंगे, क्यों, डिविजिबल है, 3 2s are 3s are, कैसे पता चला कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है,
इसको भी प्लस किया तो वही आएगा, 4 + 2 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 3 = 15, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3 5s are 3 4s are 1s are, अब ये 23 एंड 1, अब 69 माइनस डी इक्वल्स 1541 डिवाइडेड बाय 23, अब क्या, अब कैसे करूंगी कैंसलेशन, हाँ बोलो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लगता तो नहीं है, देखो 3 के टेबल में 1 आता है एंड में, कब आता है, 7s आर, तो 23 7s आर, या फिर 23 17s आर, या 23 × 27, या 23 × 37, शायद ये आए, 23 × 7 तो नहीं आएगा, बहुत छोटा नंबर होगा, 23 × 17 करके देखते हैं, ओके, सो 23 × 17, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 15 = 16, एंड देन दिस इज 23 1 9 391, बहुत छोटा है, तो 23 × 37 करके देखते हैं, 3 7s are 21, 7 2s are 14, 15 16, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1 15 6 7 8 8 51, अभी भी बहुत छोटा है, 23 × 47 = 57 करते हैं, 3 7s are 21, 7 2s are 14, 15 16, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 10, 11, शायद 1 3 1 1 3 1 1 बराबर क्या है ना, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 15 16, 5 3s are 15, 5 2s are 10, नहीं नहीं 5 3s are 15 बराबर है, 5 2s are 10, 11 बराबर, करेक्ट ही है, 23 × 67 करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 3 7s are 21, 7 2s are 14, 15 16, 3 6s are 18, 1 carry, 6 2s are 12, 13, 1 कितना हुआ 14, 5 23 × 67, सो 69 - d = 67 67, इस तरफ लाओ, 69 - 67 = d, सो देयरफॉर d = 2, तो आपके जो टर्म्स होंगे, देयरफॉर a - d = 69 2 which is = 67, a = 69, and a + d = 69 + 2 which is 71, therefore the three terms in the AP are, three terms in the AP are 67, 69 and 71, samjha, dekho fast, ये सब अभी आपको जो भी आगे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर, ये सब 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन आता है आपको 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में, देखो देर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, राइट द एपी, क्या समझा, हाँ क्या गिवन है, देर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, कितने टर्म्स है टोटल, 37 टर्म्स है, ठीक है, तो समझ लो अगर a1 a2 a3 सो ऑन 37 टर्म्स, ठीक है, नहीं, द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल, एकदम एग्जैक्टली मिडल में जो टर्म्स है, 3 टर्म है, उनका एडिशन कितना है, 225, and the sum of the last 3 terms is 429,
लास्ट थ्री टर्म्स का एडिशन 429 है, बीच के जो तीन टर्म है उनका 225। अब मुझे बताओ कि बीच के तीन टर्म कौन से तीन टर्म, तीसरा चौथा पांचवा, 8, 9, 10, 13, 14, 15, कौन सा तीन टर्म होगा अगर टोटल 37 टर्म्स है तो? कैसे पता करेंगे बीच के तीन टर्म कैसे कौन से हैं? हाउ यू विल फाइंड विच थ्री टर्म्स विल बी देयर इन मिडल? हाँ बोलो, बताओ मुझे कौन सा टर्म होगा, 8, 9, 10th वाला टर्म बीच में होगा या 15, 16, 17th टर्म बीच में होगा या कौन सा टर्म बीच में होगा? थोड़ा सा सोच के आप अपने आप से भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। विच थ्री टर्म्स विल बी देयर इन द मिडल? यस आदित्य, 1 से 37 तक टर्म्स है तो बीच के तीन टर्म कौन से होंगे? पक्का? ठीक है, 1 से 3 तक टर्म है, बीच वाला टर्म कौन सा है? 1 से 3, हाँ सेकेंड टर्म बीच में। 1 से 5 है, 5 टर्म है, मिडल टर्म कौन सा है? 3। मिडल 3 टर्म्स कौन सा है? 2, 3, 4। ये तो एकदम इजी है। 7 टर्म्स है तो मिडल टर्म कौन सा है? 4। देखो अगर तीन टर्म है तो दूसरा आ रहा है ना, तो 3 + 1 करो कितना हुआ, 4, डिवाइड बाय 2 करो 2, तो सेकेंड टर्म। 5 टर्म है बराबर, उसका मिडिल टर्म चाहिए ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो +1 करो कितना हुआ, 6, उसको डिवाइड बाय 2 करो तो वो मिडिल टर्म। 7 टर्म्स है +1 करो कितना हुआ, मिडिल टर्म कौन सा आएगा? 37 टर्म्स है, 19th टर्म इज द मिडल टर्म। अब मिडल 3 टर्म्स कौन से होंगे? समझा? समझा पक्का? अगर 41 टर्म्स है तो मिडल 3 टर्म्स कौन से होंगे? थ्री टर्म्स, मिडल 3। समझा ना? नाउ सिंस देयर आर 37 टर्म्स देयरफॉर मिडल 3 टर्म्स, 3 टर्म्स विल बी इक्वल टू क्या आया था, 37 ना, +1 किया तो 38, उसका हाफ किया तो 19, मतलब 18, 19 एंड 20, टी 18, बट सम दिया है ना आपको, मिडल 3 टर्म्स आर टी 18, टी 19 एंड टी 20 बराबर। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यू कैन से फर्स्ट कंडीशन तीनों को ऐड करना है, कितना मिलेगा बराबर? हाँ, टी 18 को ए +17D लिखेंगे, 18 - 1, टी 19 को ए +18D एंड इसको ए +19D इक्वल्स टू 25, राइट? हाँ, ए प्लस ए प्लस ए, 3A, 17 प्लस 18 प्लस 19 कितना होगा, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24, 2, 3, 4, 5, 54D इक्वल्स टू 25। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, तो 3 सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, ए प्लस 3 1s are 3 8s are 18D इक्वल्स टू 25 बराबर। सो देयरफॉर ए प्लस 18D इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर ए प्लस 18D इक्वल्स 3 7s are 21, 3 5s are 15। कैन आई से दिस एज माई इक्वेशन 1? सिंपल है,
और एक इक्वेशन आप खुद बना सकते हो जिदान, बनेगा, करो। ये एक इक्वेशन बना, अब दिया है ना, द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज दिस, लास्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे? अरे बेटा 37 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे वो भी बताएगा, बताओ। अरे लास्ट थ्री टर्म्स, हाँ 37 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट के तीन टर्म कौन से होंगे? हाँ बोलो, समझा? 37 टर्म्स है ना बेटा, तो लास्ट के तीन टर्म क्या होंगे? 35, 36, 37, तो सेम करना है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। द लास्ट थ्री टर्म्स आर T35, T36, T37. According to the second condition, T35 plus T36 plus T37 equals what they have given. And then solve, then you get the second equation. And then you solve both the equation, you get the answer. Aayega? Yes. So, do it fast. देखो जिनको नहीं आ रहे हैं वो देखो यहाँ। अब इसके आगे बोला है that the sum of the last three terms is 429. जिनको आ रहा है वो करो आगे। तो द लास्ट थ्री टर्म्स आर, द लास्ट थ्री टर्म्स आर कौन से हैं? T35, T36, T37 ना, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, टू द सेकेंड कंडीशन what we have, T35 plus T36 plus T37 equals 429, बराबर। so this will be A plus 35D A plus 36D equals 429, A plus A which is 3A, 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 15, 3, 9, 10, 105, D equals 429. अब ये सब नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, A plus 3, 3 जार, 3, 5 जार, equals 429. So A plus 35, D, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3, 1 जार, 3, 3, 4 जार, 12, 3, 3 जार. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? मिला आपको इक्वेशन नंबर 2 दानी? Yes. अब क्या करेंगे बताओ? व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? क्यू सबट्रैक्ट आदित्य? हाँ, साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब दोनों का साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना होगा, तो सबट्रैक्टिंग equation 1 from equation 2, right? तो जो भी from है वो ऊपर लिखो, a plus 35d equals 143 and this is a plus 18d equals 75. Now you will subtract it, a minus a, ये तो cancel हो गया, 15 minus 8 is how much? 7. 2 minus 1 is 1, 17D equals 13 minus 5 is 8, 13 minus 7, 6. So D equals 17 4s are, 4 7s are 28, 4 1s are 4, 5, 6. D equals 4. Samjha? Ab kya milega? Substituting. In equation, in equation, कौन सा equation? इधर है one. In equation one, तो a plus 18 d ना, d कितना है 4, equals 75, so a plus 4 8s are 32, 4 1s are 4, 5 6 7, equals 75,
तो ए इक्वल्स थ्री. फाइंड क्या करना है, राइट दी ए पी. सो देयरफॉर आपका टर्म वन होगा ए विच इज इक्वल टू थ्री, टर्म टू होगा ए प्लस डी विच इज थ्री प्लस डी इज हाउ मच फोर विच इज इक्वल टू सेवन, टी थ्री इक्वल्स ए प्लस टू डी विच इज थ्री प्लस टू इंटू फोर विच इज एट प्लस थ्री विच इज इलेवन. देयरफॉर द रिक्वायर्ड ए पी इज 3, 7, 11 इतना ही लिखेंगे डॉट सो ऑन. समझा, देखो फास्ट. देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आया था 4 मार्क्स के लिए. लास्ट का जो 2 क्वेश्चन होता है ना 4 मार्क्स का, उसमें आया था. यहां पर एबीसीडी की जगह पे पीक्यूआर लिखा हुआ था. ठीक है, नाउ इन द इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज दिस. क्या दिया, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है एंड लास्ट टर्म सी है. लास्ट टर्म मतलब वो कितवा टर्म है वो नहीं दिया, बट लास्ट टर्म क्या है, सी है. देन शो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इज दिस. ठीक है, दिया है टी वन इज वॉट ए, टी टू इज बी एंड टी एन जो है सी. बट एन का वैल्यू दिया है क्या, नहीं गिवन, ये नहीं गिवन. और उसके बाद यू हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स. अब इसमें टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस टू ए द होल डिवाइडेड बाय टू इंटू बी माइनस ए. ये आना है, ठीक है. कैसे आएगा, कैसे आएगा, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. कैसे, क्या होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डिफरेंस डी will be equal to t2 minus t1 कर सकते हैं, AP में है ऑलरेडी. सो b माइनस ए, तो b माइनस ए तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस. सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक a1 प्लस ए एन और n बाई टू, लेकिन उसमें भी n लगेगा, n है नहीं. सम ऑफ n टर्म, nth टर्म है तुम्हारे पास c, उसमें से शायद n मिलेगा. नाउ सिंस tn equals what, a plus n minus 1 into d, तो tn का वैल्यू c है, a plus n as it is, d का वैल्यू b minus. अब इसमें से n का वैल्यू निकाल लो पहले, इसमें इसमें से n का वैल्यू निकालो. कैसे निकालोगे, ये a इस तरफ लिखा जाओ, c minus a equals n minus 1 into b minus a. Yes, ये b माइनस है इस तरफ आया तो डिवाइड होगा, इक्वल्स n माइनस 1. अब ये माइनस 1 इस तरफ गया है तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a प्लस 1. ये सुनो, ये n का वैल्यू मिला. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n इक्वल्स b माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई c माइनस a प्लस b माइनस a. तो n का वैल्यू आ गया c b प्लस c माइनस टू ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए. ये आपको क्या मिला, n का वैल्यू. अब सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है, सम ऑफ n टर्म्स में n का वैल्यू लगेगा ना, तो वो n निकाल दिया. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n बाय टू इंटू ए वन प्लस ए एन, बराबर. ये है ना ए एन या टी एन जो भी लिखना है लिखो, ठीक है. n का वैल्यू ये है b प्लस सी माइनस टू ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए. द होल डिवाइडेड बाय टू, ठीक है. और ये a1, a1 का वैल्यू कितना है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म वही a ही है, और tn nth टर्म क्या है, c.
इसको मैं 2 अपॉन 1 कर सकता हूँ। अब ये 2 अपॉन 1 ऊपर गया तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए, और ये होगा a प्लस सी। क्या रिक्वायर्ड है वही है ना, आया समझा।